राजकुमारी देखिए हम आपके लिए खाना लाए हैं। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है, जल्दी से चखिए। मुझे नहीं खाना। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है धरती पर बिजली गिर रही है। अरे ये कैसा यंत्र है और इसमें से आवाज भी आ रही है? लगता है ये कोई जादुई यंत्र है। देखती हूँ। हाय गोलू मोलू, ये देखो इस यंत्र में तो नहर का पूरा घर और चित्र है। ये फोन है। आज पहली बार फोन देखा है ना? है ना? कोई ना, मैं हूँ ना। चलो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। पहले बताओ तुम्हारी मम्मा कैसी है, मतलब माँ? बहुत बुरी है चिकित्सा लय से मेरा। अपहरण करके मुझे ले जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ वहाँ पर बाबा आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। ओह मतलब जेल। पूर्वी का कहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बड़े खतरे में। एक मिनट, एंग्री स्वीट आंटी पूर्विका को कैसे किडनैप कर सकती है? जब वो मेरे पास आई थी पूर्विका के बारे में पूछने, तब तो पूर्विका वहाँ थी नहीं। वो तो मैंने उन्हें बताया था कि पूर्विका यहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो पूर्विका को ढूंढने चली गई। पूर्विका तुम्हारे बाबा को फोन दो ना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ मेरे फोन का है। बाबा बाबा मेहर को आपसे बात करनी है। हाय बेटा कैसे हो? हेलो हाय कैसे हो, कुछ बात करने का टाइम नहीं है। दुपट्टे वाले अंकल आप बस मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो बेटा क्या बात है? हॉस्पिटल से पूर्विका को प्रार्थना आंटी नहीं लेके गई थी, कोई और लेके गया था। किसी और ने पूर्विका को किडनैप किया था। पूर्विका की गायब होने के बाद प्रार्थना आंटी आई थी और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पूर्विका कहाँ है। मैंने बताया कि हम दोनों सो रहे थे और फिर पूर्विका पता नहीं कहीं गायब हो गई। फिर प्रार्थना आंटी उसको ढूंढने चली गई थी। उसके बाद जब आई तो पूर्विका को साथ लेकर आई। प्लीज दुपट्टे वाले अंकल, प्रार्थना आंटी की कोई गलती नहीं है, उनको जेल से निकाल दो ना प्लीज। चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाबा माँ मतलब आंटी पूरी नहीं है। अच्छी है? पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेहर की बात सच है तो सीसीटीवी फुटेज में प्रार्थना का चेहरा क्यों दिखा? इतनी मुश्किल से रघु प्रार्थना के रिश्ते में दरार डाली, इस तरह खाई बनाना है। अभी पिद्दू सी लड़की इस दरार को भरने चली है। नहीं, मेरे होते हुए ये दरार कभी नहीं मिट सकती। रघु तुम भी ना एक बच्ची की बात में आ गए तुम। वो भी वो बीमार थी, दवाइयों का असर था उस पर, उसे क्या याद रहेगा क्या देखा क्या नहीं देखा। और वो प्रार्थना, वो मेहर के साथ कितने टाइम से है ना, तो हो सकता है उसका दिल लग गया हो उसके साथ, इसलिए उसकी साइड ले रही थी। और आज सुबह भी देखा ना तुमने, वो कैसे हमसे सवाल जवाब कर रही थी प्रार्थना के लिए। आप इनको रुलाओ मत, ये कितनी दुखी दुखी रहती है। आज पहली बार मैं इनको इतना खुश देखा है। और वैसे भी रखो हमें तो सच पता है ना, उस बच्ची को नहीं पता। हमने तो सब देखा ना सीसीटीवी में, तो आंखों देखी बात हम नहीं छुटला सकते रघु, है ना। पूर्विका को प्रार्थना ही ले गई थी हॉस्पिटल से, उसके बाद ये सब वो नाटक कर रही है। खुद कह रही है कि वो उसे बचा कर ले गई, अपने घर ले गई, ये सब नाटक है, धोखा है रघु। शायद तुम सच कह रही हो, मैं तो एक छोटी बच्ची, उसको सच क्या पता होगा। और उसने जो कुछ सोचा होगा वो कह दिया होगा। त्रिशा माँ सही कह रही थी, मेरी माँ अच्छी नहीं है। आई विश प्रीति दी भी यहाँ होती। क्या हो गया, तुम सब इतनी सैडली क्यों बैठे हो? संगीत चल रहा है, एंजॉय करो। तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो सोनिया? वह रघु ने प्रीति को अरेस्ट करवा दिया और यहाँ हम संगीत एंजॉय करें। तुमने सुना नहीं क्या कि प्रीति भाभी की वजह से भाई को कितना दर्द सहना पड़ा है? और जो इतने साल प्रीति ने सहा उसका क्या? आइए, नमस्ते। नमस्ते जी।
रघु जी, जो भी हुआ मनु लग गया कि शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता कि नैना और परम की शादी में कोई भी दिक्कत हो। इसका मतलब आपने और प्रार्थना आंटी ने दोनों ने बट्टी कर ली। तुम सबकी बीन रेडी है? जी। किसी को भी अंदर शक नहीं होना चाहिए कि तुम लोग वेटर की ड्रेस में सफेरे हो। जैसे ही सब लोग इकट्ठा होंगे बीन बजाना शुरू कर देना, और ये बीन ऐसी बजाओ कि अंदर जितने भी सांप हैं सब बाहर आ जाए। जी चलो। फाइनली प्रीति दी आ गई। अब संगीत में रौनक आएगी। I'm so happy. Me too. संगीत का फंक्शन है और सब इतने चुपचाप। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है संगीत। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि वो इंस्पेक्टर नाग नागिन का सच जानने यहाँ जरूर आएगा, और मुझे उसे ये सच जानने से रोकना है। अब आएगा सब नाग नागिनों का सच सामने। आप सब जहां हैं वहीं रुक जाइए, स्थिर हो जाइए। अब आप सबने यहां जो भी देखा है सब कुछ भूल जाइए। अब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आपने कभी यहां नाग नागिनों को देखा था। आप सब भी अपने इंसानी रूप में आ जाइए। मैंने सबको स्थिर करके उनकी यादें भुला दी है, इन्हें अब कुछ याद नहीं रहेगा। इस पीन का किसी पर असर ही नहीं हुआ। यहां कोई नाग नागिन नहीं है। चलो। तुम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। उस इंस्पेक्टर को शक हो गया है कि नाग नागिन होते हैं, और ये भी कि वो यही कही है। अब तो वो चला गया है पर उसके दिल का शक नहीं गया, वो वापस आ सकता है। क्या हुआ सर, बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि उस घर में नाग नागिन हैं, या फिर उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही। सपेरों ने बीन भी बजाई लेकिन किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, कोई असली रूप में आया ही नहीं। सर लगता है आपकी आंखों को धोखा हुआ है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसे कोई नाग नागिन नहीं है वहां पर। शट अप ओके। मुझे अपनी सोच पर पूरा भरोसा है। आप जाइए, रघुवीर अहलावत की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, उसकी पूरी कुंडली यहाँ चाहिए मुझे। ओके सर। ये लीजिए सर। इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग रघु एक ज्वेलर है। 6 साल पहले उसके बड़े भाई की मौत हो गई, और 6 साल पहले ही उसकी भाभी अचानक से गायब हो गई, और पिछले 6 सालों से रघु यहां है नहीं, वो भी गायब है। और ना तो इन 6 सालों में वो इंडिया से कहीं बाहर गया, ना वो इंडिया में था, तो आखिर वो था कहां? ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ना, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। सब बड़ा कंफ्यूजिंग सा है।
सर बड़ी अजीब बात है, शहर का कोना कोना छान मारा, वो तीन बच्चे कहीं मिल ही नहीं रहे। कौन से तीन बच्चे? सर आपको बताया था ना, वो बच्ची नाक लोग उसके सेवक। ओ हाँ, उसका स्केच बनवाया जी, ये उसका फोटो है। सर ये कोई बच्चा चोर गैंग था, इन्हें किडनैप करके ले जा रहा था, एक औरत ने इन्हें बचाया और ये तीन बच्चों को हम यहाँ लेके आए थे, लेकिन अब ये गायब हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे। ये तो रघुवीर अहलावत की बेटी है। सर ये बच्ची बड़ी अजीब थी, बोल रही थी इसका बाप शेषनाग है और ये यमुना नदी के अंदर से आई है और नागलोक की राजकुमारी है। और इस रहस्य से जुड़ी सारी कहानियां इसी के इर्द गिर्द घूम रही। मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा और इस रघु का सच सबके सामने लाना होगा। मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, ये नागनागिन और रघु, इन दोनों का कोई गहरा कनेक्शन है। और ये कनेक्शन क्या है इसका तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। नागरेश तक्षक, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता चला संगीत में क्या हुआ था, किसी ने नाग नागिनों का असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की। वो तो सही वक्त पे प्रार्थना भाभी आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो नहीं भी आती तो कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लेता। इंसानों के सामने नाग नागिनों का अपने असली रूप में आना खतरनाक साबित हो सकता है रघु। हम शिव वरदानी है, रूप बदलने का वरदान प्राप्त है हमें, लेकिन ये बात अगर आम लोगों के सामने आ गई तो शिव जी के इस वरदान का अपमान होगा। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे और प्रार्थना के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी आपसी दुश्मनी के कारण इच्छाधारी नाग नागिनों का अस्तित्व सबके सामने ना आ जाए। जो हादसा आज होते होते रह गया वो कहीं कल ना हो जाए। एक राजा होने के नाते हमारे अस्तित्व के इस रहस्य की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो आशा करता हूँ अपने इस राज धर्म का पालन तुम करोगे। भाई हम यह सब है आपकी मदद करने के लिए, मैं सबसे पहले आपको दुनिया से नहीं अपने आप से लड़ना बंद करना पड़ेगा। सोना में शेष नाग हूँ, नाग नागिनों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य बनता है उस नागिन को रोकना जो हमारे नाग नागिनों को मार रही। उस नागिन को उसके अंजाम तक मैं पहुँचा के रहूंगा। और रही बात उनके अस्तित्व को दुनिया के सामने आने से रोकने की, तो मुझे मेरे शिव की कसम, मैं नाग नागिनों का असली चेहरा दुनिया के सामने आने से रोकूंगा, अपना राजधर्म निभाऊंगा और हर अनहोनी को होने से रोकूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ज्वेलरी अच्छी है ना? क्या बात इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मैं यहाँ से जब भी गुजरा मैंने यहाँ अजीब अजीब से हादसे होते देखे, इंसान को नागिन बनते देखा, नागिन को इंसान बनते देखा। मामला क्या है? क्या बात कर रहे? बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे शक है इस घर में अच्छाधारी नाग नागिन है। लगता है आजकल आप ज्यादा टीवी देख रहे हैं। इस दुनिया में नागिन वो भी इच्छाधारी? नॉट पॉसिबल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, इस घर में नाग नागिन है और मेरा पूरा शक आप पे। आपके पास सबूत क्या है? मिस्टर रघु, पिछले 6 सालों से आप दिल्ली से गायब हैं, आपका ये परिवार, पति पत्नी बच्चे, ये सब इनका कोई नामो निशान ही नहीं था और अचानक से एक दिन आप प्रकट हो गए। ऐसे कैसे? क्या मैं पूछ सकता हूँ अब तक आप कहाँ थे? रघु और प्रीति तो ऑस्ट्रेलिया में थे। ओ, ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, तो इस समय आपकी पत्नी कहाँ है? आप शक के आधार पे मुझे बिलीव नहीं कर सकते, तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में थे, मेरे पास पिछले 6 सालों के फ्लाइट्स के रिकॉर्ड्स हैं और सबूत हैं कि पिछले 6 सालों में आप इंडिया से कहीं बाहर गए ही नहीं।
कोई सफर भी नहीं किया, और अगर किया भी है तो आपके साथ आपकी पत्नी भी वापस आई होंगी ना, वो कहाँ है? इंस्पेक्टर, मैं आऊं। ये हार्ट भी ना बहुत क्रेजी होता है, पागल कर देता है। मैं इंडिया से मिसिंग क्या होगी, मैंने तुमको कितना मिस किया राघु, माय हबी बेबी, मैंने तुम्हारे किस को कितना मिस किया। आई मिस यू सो मच, आई किस यू सो मच, आई मीन इमेजिनेशन में यू नो। राघु बेबी, ये हस्बैंड वाइफ का खेल है ना, द शो मस्ट गो ऑन, पर ना पकड़े जाओगे। प्रार्थना माय डार्लिंग, तुम्हारी इतनी याद है मुझे। आई नो, तुमने मुझे याद की और मैं आ गई। पर आप यहाँ क्यों आए? आप बताइए, आपका ये एक्सेंट किस लिए? आप तो हिंदुस्तानी है ना? आई नो, आई एम इंडियन, मेरा देश भारत है, भारत महान, इंडिया इज ग्रेट, पर क्या है ना, मैं पिछले 5 years से ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ, तो इसलिए वो छप गई। इसका मतलब है कि छाप पड़ गई थी। तो अब्रॉड की छाप तो आपके ऊपर खूब पड़ी है, आपके पति की छाप आपके ऊपर नहीं पड़ी। हाँ, वहाँ पर आप दोनों अलग रहते हैं क्या? मतलब रघु पहले आया, तुम बाद में? हश, इंस्पेक्टर प्लीज शुभ शुभ बोले, क्योंकि आई मीन यहाँ आप कितने, प्लीज बी ब्रॉड माइंडेड, यहाँ पर अलग अलग आना मतलब अलग अलग होना होते है क्या, सेपरेशन होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में मेरे बहुत सारे काम बचे थे, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड माय हस्बैंड कि यू गो, मैं काम खत्म करके आती हूँ, इसीलिए मैं लेट आया। वैसे इस घर में एक राज नहीं बल्कि काफी सारे राज दबे हुए हैं। वैसे नाग नागिन के कनेक्शन के साथ आप लोगों का क्या राज छुपा हुआ? राज, बहुत सारा राज है, इतना डीप राज है, इतना डार्क राज है, बहुत गहरा राज है। एक्चुअली हम सब नाग हैं। हम चाप चाहे नागिन से इंसान बन सकते हैं, और इंसान से नागिन। आप इसकी बातें मत जाइए, इसकी हिंदी की टांग टूटी हुई है। टांग तो मुझे अपने दुश्मनों की तोड़नी है, you know, ये मेरे feelings है। I really think कि हर इंसान में एक नागिन होते और हर नागिन में कहीं ना कहीं एक इंसान, एक तो stupid सवाल है इंस्पेक्टर। I mean, हम इंसानों का नागिन के साथ क्या कनेक्शन हो सकते? नहीं, वो आजकल सांपों के हमले बहुत हो रहे हैं ना शहर में, इसलिए मैंने पूछ लिया, मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा कि नाग नागिन रूप कैसे बदलते हैं, मतलब इंसान से नागिन, नागिन से इंसान। तो क्यों ना आप ऐसा करें, आप किसी नागिन को जाके पकड़ लीजिए, यू नो, वो ऐसा म्यूजिक प्ले करके, और फिर उससे जाके पूछ लीजिए कि आप कैसे कर लेते हैं सब, क्योंकि हमें तो नहीं पता। हाँ, और जब अगर हम में से किसी को कोई नागिन मिलेगी तो आई प्रॉमिस यू हम उनको पूछ लेंगे। पर सच कहूँ तो इस पूरे फैमिली में सिर्फ मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूँ, बाकी सारे नॉर्मल। इट्स अ नॉर्मल फैमिली, यहाँ कोई राज वाज नहीं है, तो प्लीज जब भी आप यहाँ पर आए तो ऐसे अब नॉर्मल बन के इस फैमिली में मत आइए। इट्स नॉट लाइक वो जो टेलीविजन शो है ना सब नागिन की, मतलब ऐसे करो नागिन बन जाओ, ये सब नहीं होता है इस घर में कि यहाँ से नो। वैसे आपको अगर सांपों से कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा, एक कॉल पे आ जाऊंगा, चलता हूँ, चलो। नैना, नैना, अजय, वो है वरुण, तू यहाँ कैसे?
बस भैया भाभी ये अजय मेरा स्कूल फ्रेंड, स्कूल में मेरे सीनियर थे। टुल्लू को जानता है? हाँ, नैना के साथ शादी हो रही है ना मेरी, आ जाओ मिलाता। वाह भाई वाह, अब तो मेरे भी घर जैसे संबंध हो गए हैं। अब तो मेरा यहाँ आना जाना बना ही रहेगा, मिस्टर एंड मिसेस अहलावत। ऑफ कोर्स, अब हमारे लाडू की शादी में इतनी सारी आबादी के साथ साथ आप भी आ जाइए। इसका मतलब है जितने मेहमान आएंगे। हाँ, same thing. Please, you are invited. I mean, आप हमारे future son-in-law के best friend जो है। फिर तो मैं जरूर आऊंगा, अभी चलता हूँ। Okay. अभी आए। क्या कर रही हो तुम? बड़ा दिमाग खराब हो गया, क्यों आई हो यहाँ पे? ये तो सोचना ही मत कि तुम्हारे आसपास रहने आई हूँ। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिर्फ बचाने के लिए आई हूँ। किसी चीख चिल्लाने से अच्छा यही होगा कि तुम मुझे थैंक यू बोलो कि आज मेरी वजह से तुम और तुम्हारी फैमिली बच गई है। तुम और तुम्हारी परिवार नागलोक से आ गए तो पता नहीं तुम में से कौन था जो अपने नागिन रूप में आया और इंस्पेक्टर अजय ने उसे देख लिया, इसलिए अब उसे शक हो गया है कि धरती पर इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, और ये भी कि वो यही कही है, हम में से ही कोई है। इसीलिए वो अपने शक को हकीकत में बदलने के लिए आज यहाँ आया था। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि हम में से ही कोई है जो मासूम लोगों की जान ले रहा है। तो वो गलत कहाँ है? उसका शक सही है, तुम ही हो जो लोगों पे हमला कर रही हो, उनकी जान ले रही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, और मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी, पर उसके लिए मुझे इसी घर में रहना होगा। शेष नागिन हूँ मैं, और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें भी पूरा करना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि हम नाग नागिनों का वजूद किसी के सामने ना आए। शेष नागिन हूँ मैं, हम नाग नागिनों को शिव का वरदान मिला है, शिव वरदानी है हम, कि हम अपना इंसानी रूप बदल सकते हैं, पर ये वरदान किसी के सामने नहीं आना चाहिए। और ये सब तो तुम्हें पता ही होगा ना, महानागराज शेषनाग। मेरे साथ ना कोई खेल नहीं, तुम यहाँ रहना ठीक है, पर सिर्फ तब तक जब तक इंस्पेक्टर अजय का शक दूर नहीं हो जाता। तब तक हम एक छत के नीचे रहेंगे, पर हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। हाँ तो मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है रघु, पर हाँ इस बार तुम मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकते, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब मैं यही रहूंगी, और मेरी बेटी के दिल में जो मेरे लिए नफरत है ना, उसे भी खत्म करूंगी। और हाँ, उसे अगर कभी लेके जाने की जरूरत पड़े ना तो उसे ले भी जाऊंगी, पर उससे अलग तो कभी नहीं होगी, और उसे तुम मुझसे कभी अलग कर भी नहीं पाओगे। माँ हूँ मैं उसकी। तू उस बेटी की माँ नहीं थी जिसकी जान तुम्हारी वजह से गई? जानती हूँ, और इन 6 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब अपनी गलती पर मैं पछताई नहीं, पर एक बार वो गलती हो गई, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। अब मैं अपनी इस बच्ची को अपने से दूर नहीं होने दूंगी, माँ हूँ मैं इसकी, अब माँ बन के दिखाऊंगी, अब अपनी बेगुनाही साबित करूंगी, और अपनी बेटी के दिल में अपने लिए जगह भी बनाऊंगी। सकते हैं, तुमने देखा ना वो कैसे आई और सबसे कहने लगी कि वो यहीं रहेगी, मैं कैसे रोकती? बुमरिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? क्या हुआ बेटा, शांत हो जाओ, दूर हो जाओ, आत्मा का मान है मुझे, अब मुझे अच्छी नहीं लगती, अब मेरी माँ नहीं हो। बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। चले जाओ, जाओ। बैठे हैं, ऐसे गुस्सा नहीं करते, बाबा की बात सुनो। नहीं सुनूंगी, बेला भी ने कहा ये यहाँ से चली जाए। नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, माँ हूँ मैं तुम्हारी, और ये बात तुम अच्छे से मान लो, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है, आपको यहाँ रहना है ना तो रहो, पर मुझसे बात मत करना, मुझे देखना भी मत, मेरे सामने भी मत आना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। प्रार्थना, पूर्विका से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी, बच्ची है वो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी बच्ची से कैसे बात करनी चाहिए, उसे कैसे संभालना चाहिए, तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, तुम जानती क्या पूर्विका के बारे में, त्रिशा ने उसे पाला और संभाला है, तो प्लीज इसे उल्टा जवाब मत देना, समझी?
शेष नागिन, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। आज रात बहुत बड़ा वार होने वाला है। आज मंगल ग्रह धरती के बहुत करीब से नजर आएगा और उसे देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होंगे। इसका मतलब है कि इन मासूम लोगों पे सपोलो के हमले हो सकते हैं। हमें जंगल की उस जगह पर हमला करना है जहाँ लोग जमा होंगे मंगल ग्रह देखने के लिए, और वो हमला हमें आज रात ही करना होगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए अब और किसी मासूम की जान नहीं जाएगी, पर उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मुझे रघु को कुछ साबित करना है। लेकिन शेषनागिन, आपको बहुत संभल के रहना होगा। रुको, नौकर भी नहीं आ सकती। ये कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है रघु, मेरा भी है। और अपने कमरे में आने से पहले मुझे नॉक करने की जरूरत नहीं है। उस तरफ देखो। हो गया? हाँ। तुम हर वक्त ऐसे मेरे आसपास मंडराना बंद करो। तुम कोई फूल हो गया और मैं भवरा जो तुम्हारे आसपास मंडराती रहूंगी। प्रार्थना बहुत ज्यादा हो रहा है। तुमने शुरू किया था। तुझे तो बात करनी बेकार है। आज लड्डू की हल्दी है, परम के घर वाले आ रहे हैं। मुझे कोई बकवास नहीं करनी। रघु, तुम आज रात मेरे साथ बाहर चलोगे क्या? कहाँ? मुझे पता चला है कि यहाँ पास ही किसी जगह पर मासूमों पर हमला होने वाला है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लो कि उन पे जो हमला कर रहे हैं वो कौन है। तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि गुनहगार मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, और जो असली गुनहगार है उसे हम दोनों मिलकर रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और अगर ये तुम्हारी साजिश हुई तो मुझे यकीन दिलाने के लिए तुमने जाल बिछाया हो तो? रघु, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो मुझ पर कि तुम्हें मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए मैं कोई जाल तो नहीं बिछाऊंगी। विश्वास करो मुझ पर प्लीज। एक वक्त था जब हमने अपनी जिंदगी साथ बिताई थी, बहुत वक्त साथ गुजारा है हम। एक रिश्ता हुआ करता था हमारे, तो बस उस रिश्ते की खातिर फिर से विश्वास कर लो मुझ पर और चलो मेरे साथ। चलोगे? So sorry, baby. क्या हुआ? मैम, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। मैंने सभी डिशेस बना के दिखाई पर पूर्विका बेबी को कोई भी खाना पसंद ही नहीं आ रहा मैम। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। प्लीज मैम। आज दिल को कितना सुकून मिल रहा है, पहली बार अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बना रही हूँ। ये डिश पूर्विका को बहुत पसंद आएगी। नैना, तुम प्लीज पूर्विका को जाकर ये नूडल्स दे दोगी? दी, आप दो ना। पूर्विका आपकी बेटी है, अगर आप दोगे तो आप दोनों के रिश्ते बने रहेंगे। नहीं नैना, वो इस वक्त मुझसे बहुत नाराज है और मैं कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनाना चाहती। प्लीज पूर्विका। हैं? ये क्या है? दिखने में तो ये सांप जैसे लग रहे हैं। हे भगवान, इतने पतले पतले सांप भी होते हैं क्या? ये नूडल्स हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। आहा हा।
अरे क्या हुआ? ये पानी पियो आराम से। क्या हुआ? और पानी? पूर्विका, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? मैंने इसके लिए नूडल्स बनाए थे, पता नहीं अचानक खांसी आने लग गई इसे। ये नूडल्स किसने बनाए? इसमें तो सिंगदाना है। पूर्विका को एलर्जी उससे। नूडल्स तो मैंने ही बनाया, पर मैंने सिंगदाना नहीं डाला था इसमें। रघु, ये लो, ये दवाई से पिला दो, इससे इसकी खांसी रुक जाएगी। ठीक हो? प्रार्थना बस, तुम एक रात में इसकी मां नहीं बन सकती। इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो जान नहीं सकती, तुम समझी? तो प्लीज अगली बार से इसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं। को अपने हाथों से खाना बना के खिला रही हो, खिलाओ खिलाओ। पर तुम्हें क्या पता कि उसे सिंगदाने से कितनी तकलीफ होती है। वो ये खाएगी और उलट पुलट हो जाएगी, फिर देखो होता है क्या। प्रार्थना, तुम रघु और पूर्विका के जितने करीब जाओगी ना, मैं तुम्हें उनसे उतना ही दूर कर दूंगी, क्योंकि अब ये दोनों मेरा परिवार है।